नमस्कार, मैं आनंद शेखर और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में से दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को समाप्त हो गया। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदाताओं ने वोट डाले। ये सीटें थी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। इन सीटों पर मतदाताओं ने 50 उम्मीदवारों का किस्मत ईवीएम में कैद कर दिया। बिहार में कड़कड़ाती धूप और भीषण लू के बीच 58.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार इन 5 सीटों पर 4% वोट कम पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर कुल 62.92% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 58.58% वोट पड़े हैं। दूसरे चरण में बिहार में सबसे अधिक मतदान कटिहार में हुआ। यहाँ 64.6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि किशनगंज में 64%, पूर्णिया में 59.94%, बांका में 54% और भागलपुर में 51% मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।